दिवाली आ रही है और ऐसे में हर कंपनी सोचती है कि उसको अच्छे से अच्छा बोनस मिले। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में सूरत की एक कंपनी ऐसी है जो अपने 600 कर्मचारियों को बोनस में कार और 900 कर्मचारियों को एफडी दे रही है। तो चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। हीरा कारोबारी और हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन सावजीत ढोलकिया इस बार फिर चर्चा में है। इस दिवाली पर भी मशहूर हरी कृष्णा ग्रुप की ओर से बोनस के तौर पर 600 कर्मचारियों को कार और 900 कर्मचारियों को एफडी दी जा रही है। डायमंड किंग सावजी इन कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। वहीं पहली बार इस ग्रुप के 4 कर्मचारियों को यह तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राजधानी दिल्ली में दिलवाया गया है। इस बारे में चेयरमैन ढोलकिया कहते हैं कि हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत इस साल 1500 कर्मचारियों को चुना गया। इसमें से 600 कर्मचारियों को गिफ्ट के रूप में उनको कार पर सहमति बनी, जबकि 900 कर्मचारियों ने बैंक में एफडी की मांग की। तो हमने कर्मचारियों को वही बोनस में दिया जो वो चाहते थे। उन्होंने बताया कि दिवाली पर बोनस देने के मामले में उनकी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए कर्मचारियों पर खर्च किए हैं। नेक्स्ट 9 टेक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।